पॉज करो और खुद ट्राई करो, देखो कर सकते हो, यू कैन डू इट। टू वेसल्स हैं जो अलग अलग गैस है उसमें, लेकिन इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। प्रेशर ऑफ ए ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ बी। अंडर सच कंडीशन डेंसिटी ऑफ ए 1.5 टाइम डेंसिटी ऑफ बी, द रेशियो मॉलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी। अब बेसिकली मॉलिकुलर वेट का कंपैरिजन करना, तो पहले जो डेटा दिया उसको हम छाप लें, ठीक है। प्रेशर ऑफ ए इज 2 टाइम्स प्रेशर ऑफ बी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी ऑफ ए 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/2 डेंसिटी ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मॉलिकुलर वेट कंपेयर करना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करूं, सोचो। आई ऑब्वियसली आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसका मतलब ये हुआ कि पी इज इक्वल टू मास, मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम आर टी लिखा जा सकता है। प्रेशर पी, डेंसिटी रो, आर टी मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मास प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड प्रेशर, इस टाइप से रिलेशन आ जाएगा। डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मॉलिक्यूलर वेट और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से इनको यूज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ ए, ठीक है ना। डेटा रख दो, यहां से लाओ। डेंसिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 3/2, और यहां से पी बी अपॉन वी 1/2, मतलब ये आ जाएगा 3/4, मतलब डी ऑप्शन सही है ना। सॉल्व कर सकते हैं इसको, आसान। 8/4